फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। आज की वीडियो में बात करेंगे 10th एनआईएस इंग्लिश का जो हमारा एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम होता है रिपोर्ट राइटिंग। उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पर हम लोग करने वाले हैं। सो इससे प्रीवियस कई सारे वीडियोस में मैं आप लोगों का जो राइटिंग सेक्शन है जिसमें आपका मैसेज राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड सिचुएशन राइटिंग, ये चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चारों के फॉर्मेट भी करा चुकी हूँ काफ़ी दिन पहले ही, और साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस भी मैंने कई सारे क्वेश्चन की आपको कराई है। सो उसी सीरीज़ में हम रिपोर्ट राइटिंग का एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसकी करते हैं प्रैक्टिस। और हाँ, अगर अभी तक आपने रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट नहीं देखा है और साथ ही साथ जो आपके राइटिंग के ये चार क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपका लेटर हो गया, मैसेज हो गया, रिपोर्ट और सिचुएशन, तो ये चारों जो आपके फॉर्मेट है वो उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप इजीली पहले अपने फॉर्मेट क्लियर करिए, देन उसके बाद आपको कई सारी वीडियोज इनकी प्रैक्टिस की भी मिल जाएंगी। एंड बात करूं आपके इंग्लिश के ऑल चैप्टर्स की, तो सारे के सारे चैप्टर्स मैंने आपके करवा दिए हैं, सबके नोट्स प्रॉपर तरीके से बनवाए हैं, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके अलावा इंग्लिश का पेपर कैसा है, पेपर का पैटर्न भी मैंने समझा रखा है, और साथ ही साथ पेपर में 90 का स्कोर, 90 प्लस का स्कोर आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप इस 10th एनआईएस के इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही डिटेल वे में स्टडी करना चाहते हैं, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, तो उसके लिए लर्न इंग्लिश चैनल जो है मेरा, उसको विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। वहां पर डिटेल में मैं आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रही हूं, बिल्कुल बहुत ही डिटेल में। तो लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग का एक सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन प्लस आंसर मैं आपको यहां पर दिखाऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, देन आपको कितने वर्ड्स में इसका आंसर देना है। बट हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, क्योंकि बहुत सारी सिलेबस रिगार्डिंग और अपडेट्स रिगार्डिंग वीडियोस मैं यहां से आपको देती रहती हूं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूं। इस तरीके से ही आप लोगों का क्वेश्चन आता है 10th वाले स्टूडेंट्स का। यू आर सुमित ऑफ द सिग्मा यूथ ऑर्गेनाइजेशन, आप सुमित हैं सिग्मा यूथ ऑर्गेनाइजेशन। यू विटनेस द घैसली एक्सीडेंट ऑफ द पंजाब मेल एट अमृतसर, आपने देखा बहुत ही भयंकर सा एक्सीडेंट पंजाब मेल एट अमृतसर। द पंजाब मेल हैड अ हेड ऑन कॉलिजन विद अ गुड्स ट्रेन, जो पंजाब मेल थी वो आगे से टकरा गई एक सामान से लदी हुई ट्रेन के साथ, ठीक है। तो दो ट्रेनें आपस में टकराई। डेड बॉडीज कुड बी सीन लाइंग ओवर द रेल्स, और डेड बॉडी देखी जा सकती थी, इतनी सारी लाशें वहाँ पर बिछ गई। राइट अ रिपोर्ट इन 100 to 120 वर्ड्स, देखो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि 100 to 120 वर्ड्स, हद से हद आप लोगों का 100 वर्ड्स का ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो जितना वर्ड लिमिट यहाँ पर होगा उतना आप कम से कम देंगे। आपको नरेट करना है इस डिज़ास्टर को फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़लेटर। चलिए अब देखो इसका फॉर्मेट क्या है, सिंपली ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने अमृतसर लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन नीचे आपने डेट लिख दी और मंथ लिख दिया बीच में, और उसके बाद आपने ईयर लिख दिया। मान लो आपके जो एग्ज़ाम हैं वो होंगे 2022 में, तो आप यहाँ पर ईयर क्या लिखेंगे, 2022 लिख देंगे, और कोई भी आप डेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर इसमें डेट गिवन है देन आपको वही लिखनी है, और अगर गिवन नहीं है तो आप अपनी तरफ से कोई भी इमेजिनेशन रिलेटेड डेट लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको सिंपल तरीका यहाँ पर यूज़ करना है जब आप लिखोगे देर इज़ नो रिकॉर्डेड टाइम टेबल फॉर डेथ एंड डिज़ास्टर्स, कि देखो डेथ और डिज़ास्टर का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कब किसकी मौत आ जाए कुछ नहीं पता। और इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इट वॉज अ प्लीजेंट सनी डे, कि बहुत ही अच्छा दिन था, है ना। आई वॉज एट भोसावल रेलवे स्टेशन, देखो अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करना, तो मैं रेलवे स्टेशन पर था। आई हैड गोन देयर, ये होन नहीं है आपका, गोन है। आई हैड गोन देयर टू सी माई कज़िन सिस्टर ऑफ, तो मैं वहाँ पर अपनी कज़िन सिस्टर को ऑफ करने गया था, मतलब उसको बाय करने गया था, तो तभी देखा कि भाई एक गुड्स मतलब सामान से भरी हुई ट्रेन वहाँ पर उसने जो है स्टेशन तभी छोड़ा था, और जो पंजाब मेल थी वो भी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। तो हम लोग वेट कर रहे थे एट द प्लेटफॉर्म नंबर 2, सडनली हमने देखा कि भाई बहुत ही तेज़ टकराव सुना दो ट्रेनों के बीच में, जो उनकी टक्कर लगी, और देर वॉज हैड ऑन कॉलिजन बिटवीन बोथ। तो इस तरीके से आपको ना सारा का सारा लिखना है, एंड एज यू कैन सी हियर यहाँ पर आपका ये फिनिश हो जाएगा, और लगभग 100 to 120 वर्ड्स में ये आपका फिनिश हो जाता है। तो आई होप आप इस तरीके से इसको लिखेंगे और प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। बाकी जो आपका ग्रामर का सेक्शन है, जो अभी आपका लेटर वगैरह हैं जितने भी हैं, उन सबकी प्रैक्टिस सीरीज़ मैं यहाँ पर शुरू करने वाली हूँ, और मैंने काफ़ी सारी वैसे करवा भी दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफ़ी सारी
इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, तो उनको ज़रूर चेक कर लेना एक बार। एंड हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए गाइस, तो PDF के लिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है, आप हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, इन सभी यू नो सब्जेक्ट्स को और डिटेल वे में स्टडी करना चाहते हैं, सो गाइज उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहाँ से आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो, आपका हिंदी का, इंग्लिश का, यू नो SST का, तो ये सारे कोर्सेज हमने वहाँ पर डिटेल वे में आपको अच्छे से कंप्लीट कराए हैं और बहुत ही कम फीस में। तो फटाफट से आप बैच में एनरोल कर लीजिए। एंड हाँ, वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाते हैं, आपकी बुक्स PDF फॉर्म में भी मिल जाती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी लर्न इंग्लिश चैनल को भी विजिट कर लेना, वहाँ पर भी डिटेल वे में आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट मैंने करवाया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखना अच्छा लगे, तबस्सुम हैदर चैनल है मेरा व्लॉग चैनल, इसको भी जरूर सपोर्ट करिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, एंड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपकी अदर सब्जेक्ट्स की स्टडी भी हम यहाँ से करा रहे हैं, तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर चेकआउट जरूर करें। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, गुड।